गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं एमसीसी लुक का, मोटा लुक का जो होता है उसके लिए। अभी आपको डायरेक्ट हम शो करा रहे हैं। यहाँ पे एक हीटर है, हीटर में बहुत सारे टैग्स हैं, इसमें वाल भी है, ट्रांसमीटर भी है और एक मोटर भी है इधर। इस मोटर का नाम है F010, मतलब MF है। एक पंप भी होता है, पंप वाला भी मोटर है। VFD से जो होगा VFD से भी है, बिना विदाउट VFD से भी है। ये पंप हो गया, दो है, एक स्टैंड बाय में रहेगा, एक चलता रहेगा, ऑन रहेगा, एक्टिव रहेगा। यहाँ पे XZX भी है। ये कंट्रोल बल्ब हो गया, फ्लो कंट्रोल बल्ब। ये कॉलम है, यहाँ पे भी पंप है, यहाँ पे लेवल कंट्रोल बल्ब है, यहाँ पे एक्स भी है, यहाँ पे PCB है। ये PIC कंट्रोलर है प्रेशर का। अब हम इस पर एक वीडियो बना रहे हैं MCC लोक में। इसमें ये दिखा रहा है, ये ग्राफिक्स हो गया, ये फेस प्लेट हो गया मोटर का। ये हीटर है, ये XZ भी है। अब ये मोटर, ये जो है इसमें सिग्नल है, 7 सिग्नल पे काम करता है। क्या है इसका डिस्क्रिप्शन है, स्टॉप पल्स फैन फॉर हीटर, इतना इसके लिए। इसमें स्टार्ट है, स्टॉप है, एक डी आई है, स्टार्ट स्टॉप, एक डी ओ है, स्टार्ट स्टॉप। ये रनिंग है, ये अवेलेबल, यहाँ से कमांड देंगे स्टार्ट स्टॉप का। तो फील्ड में जब इस लोकल पे रखेंगे और इसको अवेलेबल देना होगा, मतलब अभी इमरजेंसी पुश बटन दबा हुआ है इसलिए अभी अवेलेबल आ रहा है, नहीं आ रहा है। और उसी तरह पंप का जो अभी वीडियो बनाएंगे उसमें अलग है, उसमें अनअवेलेबल आएगा। तो ये अभी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है, कुछ स्टैंड बाई पे है। जैसे वहाँ से रिलीज करेंगे अवेलेबल आएगा और हम तब वहाँ से फील्ड से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट का यहाँ कमांड आएगा, ये रेड से ग्रीन हो जाएगा, स्टार्ट चलेगा लोकल पे। फिर उसके बाद स्टॉप करेंगे वहीं से फील्ड से ही, इमरजेंसी पुश बटन दबा के। और उसके बाद इसमें दो दो डिवाइड है, इसका बैक साइड का जो एरिया, इसको DE मतलब ड्राइव इन में बोलते हैं, और ये जो फ्रंट में है जो शाफ्ट लगा रहता है मोटर से, इससे सक्शन लाइन से जो भी हो, लाइन से जो कनेक्ट है, जो घुमाने का काम आएगा, उसको हम लोग NDE बोलते हैं, मतलब नन ड्राइव एंड। अब इधर से हम वो इस लोकल का काम हो गया, अब इसका स्टार्ट कर देंगे, रिमोट पे करके इसको स्टार्ट स्टॉप करके चेक कर लेंगे, प्री चेक कर लेंगे, उसके बाद में फाइनल चेक करेंगे। ये सब चीज़ के लिए एक बार परमिट लेना पड़ता है इलेक्ट्रिकल रूम से भी, वहाँ से भी हम लोग को देखना पड़ता है वहाँ पे सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो स्टार्ट स्टॉप कर रही है, जो भी है कर रहे, उसके लिए MCC लुक का है। इसमें स्टार्ट स्टॉप है, एक स्टार्ट यहाँ DCS से, एक स्टार्ट फील्ड से, एक स्टॉप फील्ड से, एक स्टॉप यहाँ से ले सकते हैं। ये चार हो गया, फिर अवेलेबल आया, फिर रनिंग कमांड रनिंग का आया, फिर लोकल रिमोट आया, ये सब, और एक ट्रिप हो गया, ये इमरजेंसी पुश बटन, वो मिला के 7। और अगर ESD ट्रिप है तो ESD ट्रिप भी दिखाएंगे, ESD ट्रिप में भी ये अनकमान आ जाएगा और यहाँ इसका सिग्नल आ जाएगा नीचे MCA इलेक्ट्रिकल रूम में, यहाँ पे इसका फीडर है, इसका वो MF था, ये मोटर है, पंप जिसको बोलते हैं पंप। इसमें दो पंप है, पहले हम बताए थे, एक स्टैंड बाय में रहेगा, एक चला रनिंग में रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी इसके सामने L लिखा हुआ है, L मतलब अभी ये फील्ड में लोकल में है, फील्ड से ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये अलार्मिंग पॉइंट है, इसको देखना पड़ेगा कौन सा अलार्म है, ऐसे पता नहीं चलेगा, इस पर जाना पड़ेगा। ESD इंटरलॉक होगा कुछ, तो इसको ओपन करेंगे तब पता चलेगा इसका फेस प्लेट।